था भी, मतलब मैं मस्जिद गंगोल में मैंने नमाज पढ़ाई, दो सफ़े जो थी जो मुद्रित थे, आठ सफ़े वो हैं जो मसबूक हैं, लेकिन उन्होंने शुरू कर देना फिक्र मिल जा, वो डिस्टर्ब होंगे नहीं होंगे, लेकिन मौलवी नहीं बता सकता आपके भाई आहिस्ता पढ़ो, क्योंकि वो कहेंगे लोग मेरा गला पकड़ेंगे, गला अब तक हो रहा था अब कहां से वो नहीं हो रहा। इसके नतीजे में हम दुनिया में उम्मत से अलग थलग हैं। या तो आप ये कहें कि भाई उस हमारे खित्ते के लिए अलग नबी आया था, और अगर हम उस नबी की उम्मती हैं जो आलमी सतह पर अहल सुन्ना वल जमा का हम भी एक इंटेग्रल पार्ट हैं, तो फिर हमें ये अब इस दौर में ये चीजें सोचनी चाहिए कि हम हर जगह अलग क्यों हैं। यानी हमारी मस्जिद यूके में है तो अलग है, अमरीका में तो अलग है, मैं बाल्टीमोर में गया अमरीका में तो दाऊद इस्लामियों ने कहा हमारी मस्जिद में चले, मैंने कहा चलो। अब मैंने बाहर देखा वल मदीना अल मदीना अल मदीना अल मदीना, और मैंने कहा बाबा लोगों अंदर बंदे को दाखिल तो होने दो, उसमें मदीना दाखिल कर देना, लेकिन बाहर से तुमने ट्रेडमार्क शुरू कर दिया। अच्छा अब ये अल मदीना दीन तो हुजूर से है ना, साहबे इकराम ताबीन तबा ताबीन, उस वक्त ये चीज क्यों नहीं थी? तो आम लोग जो हैं हमें एक इज्तिमाई तजदीदी तहरीक की जरूरत है कि ताकि हम इससे निकलें। उसके लिए जुरत की जरूरत है ना बात करने की कि भाई ये नमाज के बाद जो आप बुलंद आवाज से पढ़ते हैं जरा इसको ऐसा भी करने तो कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन इतनी जरूरत कौन करेगा? अलावा साहब दो तरह के, एक तो जैसे हजरत ने फरमाई, तो मैं तो कहता हूँ मैं इसलिए हर जगह बयान करता हूँ चीजें कि खड़े हो जाओ, आप उलमा खड़े हो जाए तो आपके मुकाबले में कोई नहीं ठहर सकता, लेकिन उलमा जो है वो डगमगा रहे हैं। मैंने किबला बयान किया था कि ये जो बहश्ती दरवाजा जन्नती दरवाजा एक तस्वर हमने बना लिया है अवाम ने, तो वो समझते हैं कि मन दाखल अल बाब फकर दाखल अल जी, वो अपने आप को कती जन्नती समझ लेते हैं, और उसके लिए वो दो दो दिन लाइन में खड़े रहते हैं, ना नमाज ना वुजू ना कुछ जी, और क्या हो रहा है जन्नत में जा रहे हैं बगैर वुजू के। अभी तो मैंने इसका रद्द किया, ठीक ठाक किया, आवाम में किया, बताया लोगों को कि ये गलत तस्वीर है। अब मैं टीवी में बताता रहा हूँ इस साल और अभी बताता हूँ कि जितनी चादरें मजारात पर चढ़ाई जाती हैं ये इसराफ है या नहीं है? सही है, इकराम के लिए चादर काफी है। अब 25-25 चादरें, 50-50 चादरें चढ़ाई जा रही हैं। अच्छा औकाफ वाले क्या कहेंगे कि वजीर साहब ने उसके गले में डाल दिया? अरे भाई आप उसके मालिक ही नहीं है, आप कैसे दे रहे हैं? और फुकहा ने लिखा है कि वहां जो चीजें कपड़े थे फुकरा के वहां का, अब इस चादर के साथ फुकरा क्या करेंगे? तो साहिब मजार के इकराम के लिए एक चादर चढ़ा दी, और उसको हम इस्तेदाल करते हैं बैतुल्ला के खिलाफ से कि अलामत तकरीम है, लेकिन अब ये तो नहीं है कि 25 चादरें 50 चादरें हर जगह दादा साहब कोर्स है तो लफंगे लोग चादरें पकड़े हुए चंदे मांग रहे हैं, नाच रहे हैं, ये इस्लाम कौन करेगा? आप सब पकड़े जाएंगे और आपकी जवाबदेही सबसे मुश्किल होगी। मैं आपको अर्ज कर दूं कि जानते बूझते आप नहीं उठ रहे कि भाई हम इस कौम की इस्लाह करें और लोगों को सीधा रास्ता बताएं, बस सिर्फ अपना माश। हमारा मदरसा बिल्कुल दादा साहब रहमतुल्लाह के बिल्कुल करीब है, जामे रसूलिया बिल्कुल सामने मजार शरीफ है, वहाँ जब भी उर्स का मौका आता है ना ये डोल्ड मक्का सिलसिला शुरू हो जाता है, सारी सारी रात चादरें गुजरती रहती हैं, नाच रहे हैं डोल्ड मक्का और कूद रहे हैं म्यूजिक के साथ, वो उसको ले जा रहे हैं। शाम के दिया था कि ये फतवा जारी करो, और मैंने कहा कि ये शहबाज तुम पकड़े जाओगे, हमारा काम मसला बयान करना है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जितनी हमारे हजरत आरास की तकरीबात जो है ना उसका जीरो यूटिलाइजेशन है। मैं दादा साहब जाता हूँ, एक सेशन की सदारत देते हैं मुझे, 25 पीर बैठे होंगे, 25 वाइज बैठे होंगे, अच्छा हर एक चाहेगा मेरा नाम पुकारा जाए। अब जब उसको खड़ा करेंगे ना उसको तरबियत की इसलाह से कोई गरज नहीं है।
वो चाहता है कि जो एटम बम है फेंक दो ताकि नारा लग जाए। अच्छा, तो इतना यानी इतना मरकजी उर्स है। मैंने कहा पिछली मत पर गया, मैंने कहा अल्लाह का वास्ता एक सेशन में आधे घंटे के पौन घंटे का खिताब करो, जो लोग आए हैं कुछ दीन लेकर जाए। तो आप लोगों का जो हशर होना है ना, तो मैं अर्ज करने की बात यह कि अक्सर जो बड़े सगीर में